तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, और अभी 9:45 होने वाला है और 10 बजे का हमारा चेकआउट टाइम था, बट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया, पता नहीं यहाँ के खाने की वजह से या आना जाना ठंडा लग गया, जो भी है भाई का डेडिकेशन लेवल देखिए। हाँ प्रभात भाई का। तो अब चलते हैं यहाँ से, आज की जर्नी रहेगी हमारी कटरा से दिल्ली, और पूरा बताएंगे आपको कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे प्योर वेज वाले रेस्टोरेंट में बढ़िया टेस्ट में आप खा सकते हैं। बट अभी तो आप शक्ल से देख रहे हो तो बहुत हालत खराब है, बट चलते हैं, अब रेडी हो रहे हैं हम लोग। और यहाँ पे क्योंकि ब्रेकफास्ट फ्री था तो ये हमारा रूम था, ये और उस साइड बाथरूम है, तो वॉशरूम भी काफ़ी ठीक था, और ये ड्रेसिंग एरिया, और ये डबल बेड थे। तो चलिए चलते हैं, अब शुरू करते हैं। जय माता की। प्रभात लाइन में लगा। तो अभी हम लोग खाना ना, मैंने तो बस ये लिया है, हम अभी बना तो इडली सांभर और ये सैंडविचेस और पूड़ी सब्जी है, चाय है, कॉफ़ी नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू काफ़ी अच्छा है इसका, सामने अर्थ कुमारी दिख रहा है और यहाँ से पूरा रास्ता भी दिख रहा है भवन का। तो खाना एक्चुअली यहाँ पे नहीं सही है, मैं ये कह रहा हूँ, रात में भी हमें सही नहीं लगा, पेट भी ख़राब हुआ और अभी भी खाना बढ़िया नहीं है। केटरिंग जो इनका SMVDS वाला निहारिका भवन में, और खाना की क्वालिटी इतनी ज़्यादा ख़राब है, बिल्कुल टेस्ट नहीं है खाने में, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ बीमार आदमी को खाना उसके लिए है, और मतलब बिल्कुल नमक नहीं पता है, कुछ भी नहीं है, बहुत मतलब हम लोगों ने तो कुछ खाया नहीं, सिर्फ हमने मैंने 2 सैंडविच खाई है, ये भी मैंने लाया। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है 11:30 और अब हम लोग निकल रहे हैं सब लोग यहाँ कटरा से, और कटरा से दिल्ली तक का पूरा टूर आपको देते हैं। जय माता की। थोड़ा एक्चुअली तबीयत खराब हो गई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया निकलने में, क्योंकि खाना यहाँ बहुत खराब था, खाना जितना मैं बुराई करूँ उतना कम है, ऐसा है खाना यहाँ पर। सनशेड हटा दिए पूरे गाड़ी में, क्योंकि वो जम्मू में और पंजाब में दोनों जगह अलाउड नहीं है, तो अगर आप लगा के चलेंगे तो चालान हो सकता है, इसलिए मैंने हटा दिया है। चलते हैं, टाइम अभी 11:45 होने। अभी हम लोग यहीं से जस्ट निकल के खड़े हैं अपना जो निहारिका भवन, यहीं पे सामने ही आपका ये देख सकते हैं J&K स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का ऑफिस है, यहाँ पे बस के टिकट आप बुक कर सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ से बसेस तो नहीं चलती हैं रोडवेज वाली, क्योंकि कल से मैंने नहीं देखा, और ये प्राइवेट वाली इस तरीके से चलती हैं गाड़ियाँ और टैक्सीज हैं, तो वो आई थिंक मेन बस स्टैंड जो न्यू बस स्टैंड है वहाँ से चलती होगी। ये हमारा ये जो है वो शायद पुराना बस स्टैंड है, और ये अपना जो मेन बाजार है उसके पास में है, तो इस साइड में मेन बाजार है और यहीं से आपको ऊपर के दर्शन भी होते हैं। तो ये अपना मेन चौराहा है, ये यहाँ पर खाने पीने का और प्रसाद का काफी सारा सामान मिलता है। बाहर का 25 डिग्री दिखा रहा है टेम्परेचर। ये अपना फ्रेंड्स NH44 आ गया है, यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, राइट लेंगे, और अगर लेफ्ट जाते हैं तो हम जा सकते हैं श्रीनगर के लिए, पहलगाम श्रीनगर के लिए। हम लोग यहाँ से राइट चलेंगे, कटरा वाला हमने रोड हो गई। तो फ्रेंड्स हमारी फर्स्ट टनल आ चुकी है ये जम्मू के लिए, नहीं 200 मीटर है एक्चुअली।
थोड़ा रास्ता कम हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा ये फर्स्ट टोल आ गया, चले हुए ऑलमोस्ट आधा घंटा हुआ है और अभी हम लोग आ गए हैं टोल पे। ये NH-44 का टोल है, ये अपना श्रीनगर जम्मू हाईवे पे है ये वाला टोल। 165 रुपीस का टोल है, जो भी अमाउंट होगा मैं पूरा डाल दूंगा। तो देखते हैं, सामने अपनी हरियाणा रोडवेज की बस खड़ी है। ये फ्रेंड्स हम लोग टोल अब क्रॉस कर रहे हैं। फ्रेंड्स IIT जम्मू है और अभी हम लोग NH-44 पे हैं, जो कि हमारे देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर टू कन्याकुमारी। रोड्स काफ़ी बढ़िया है यहाँ पर और हम लोग 11:45 पे चले थे, अभी 12:33 हो रहा है। देखते हैं जम्मू कब तक पहुँचेंगे और बंदरों से ज़रूर बच के चलिएगा। जब कटरा से आपका जो ये NH-44 तक का जो हाईवे है, कटरा वाला लिंक रोड जो है, वो NH-144, वो उसमें बंदर बहुत है। ये देखिए गाड़ी टांग के रखे हुए और यहाँ पे बहुत सारी टनल्स, पांच टनल्स पड़ी हैं अभी तक और एक टोल पड़ा है। जम्मू जैसे ही आप क्रॉस करेंगे, उसके बाद जो जम्मू पठानकोट रोड है वहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है, तो इस वजह से काफ़ी सारे डाइवर्जन अभी मिलेंगे हमको। फ्रेंड्स हम लोग जम्मू एंटर किए हुए 45 मिनट हो गए, अभी भी पूरा क्रॉस नहीं हो पाया और क्योंकि कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है और ट्रैफिक भी है। तो अगर अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट आप अगर इसको या नाइट में क्रॉस करते हैं तो ज़्यादा बेटर, क्योंकि अभी दिन में काफ़ी दिक्कत है क्रॉस करने में ट्रैफिक की वजह से और ये अपना दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेसवे की वजह से भी दिक्कत है, क्योंकि ट्रैफिक होता है। रात में एकदम हम लोग आए थे तब इतना नहीं पता चला था। तो हम लोग यहाँ पे जम्मू से डीजल भरा लेते हैं, अभी जम्मू क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब जम्मू और कठुआ रोड है, तो अब डीजल सोच रहे हैं यहाँ से डाल लें क्योंकि 5 रुपये सस्ता है। तो ये देखिए यहाँ से अपने यहाँ से लगभग 5 रुपये से ज़्यादा सस्ता है, 83.21। तो अगर आप लोग यहाँ जम्मू आ रहे हैं तो कटरा, तो डीजल ज़रूर डलवा दीजिए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि काफ़ी सब्सिडाइज्ड है, 5 रुपये बहुत होता है। और ये अपनी पंजाब वाली बस जा रही है, ये अपना NH-44 है। अभी हम लोग जम्मू कठुआ के बीच में, तो भाई बहुत जाम लगा हुआ है जम्मू से लखनपुर वाली रोड पर और अभी कठुआ हम लोग पहुँचे नहीं हैं, देख सकते हैं 1 घंटे से जाम में खड़े हुए हैं। तो ये टाइम उसमें, मतलब जो टोटल टाइम होगा उसमें इतना माइनस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स कठुआ पहुंच गए, आगे अपना वाला एरिया है जहाँ पे वो अटैक हुआ था, वो अभी आपको दिखाते हैं। ये कठुआ का बस स्टैंड है, ये देखिए बसेस खड़ी हैं, रात में भी हम लोग यहीं रुके थे आते टाइम पे। ये बस स्टैंड है, यहाँ से फ्रेंड्स पठानकोट 18 किलोमीटर, तो उससे कम ही पड़ जाए हमारा बॉर्डर, अब सिम में नेटवर्क आ जाएगा। अब इसके बाद अब कभी भी नेटवर्क आ सकता है, जब ये एरिया क्रॉस हो जाएगा उसके बाद। अच्छा नीचे से तब आना था जब चेकिंग करानी थी, वो देखो मैं। तो फ्रेंड्स अब 3 बज चुका है और यहाँ से दिल्ली 503 किलोमीटर है, अमृतसर 114 और जालंधर 128 है। तो पहले अब हम जालंधर ही रुकेंगे 3:15 और स्ट्रेट जाएंगे तो पठानकोट सिटी में जा सकते हैं। हम लोग यहाँ से बाईपास चलेंगे, पठानकोट बाईपास, और फिर आगे चलेंगे जालंधर की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ले सकते हैं डलहौजी और धर्मशाला के लिए एग्जिट, यहाँ से अगर आप नीचे जाएंगे तो डलहौजी की तरफ जा सकते हैं। हम लोग चलेंगे स्ट्रेट जालंधर। ये फ्रेंड्स यहाँ से हम क्रॉस करेंगे बॉर्डर, फिर से देखिए हिमाचल आ जाएगा अभी। तो अभी थोड़ी सी देर में हमने जम्मू का, मतलब जम्मू कश्मीर बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब आए थे, फिर अब हिमाचल में आएंगे।
हिमाचल प्रदेश हम लोग एंटर कर गए, अगर लेफ्ट जाएंगे तो नूरपुर और धर्मशाला, हम लोग स्ट्रेट चलेंगे पटना, ये वाली रोड गई भाई धर्मशाला नीचे वाली। तो फ्रेंड्स हम लोग का ये एक और टोल आ गया है जालंधर से पहले, बहुत जाम मिला है हमको अभी जालंधर से पहले भी, फिर जाम में खड़े हैं काफी देर से, देखे तो देख सकते हैं काफी हेक्टिक रूट है, फिर जाम लगा हुआ है जालंधर से पहले थोड़ा, बहुत जाम मिला है आज हमको, दो तीन दो डेढ़ घंटा तो जाम में बर्बाद हो चुका है। जालंधर का एग्जिट है इधर लेफ्ट से, जो हमारा ये जालंधर कैंट का एग्जिट है वो वाला आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हवेली, जो कि आप सामने देख सकते हैं, और ये सबसे बड़ा हवेली है, तो फ्रेंड्स हम लोग 6:15 बजे हैं जालंधर आ गए, और ये अपना हवेली है, ये पार्किंग है हवेली की, और अपनी गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर दिया, अब चलते हैं। तो आ गए हम लोग हवेली पे, पुराने पहले भी आए थे, इससे पहले भी बहुत साल पहले आए थे, तब से यहीं पे आते हैं जब इधर से निकलते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया आइटम्स हैं इधर उधर देखने के लिए खाने वाले। फ्रेंड्स अभी हम लोग हवेली में बैठ गए हैं, खाना ऑर्डर कर दिया, 6:30 हो गया, अब देखते हैं जालंधर से कितना टाइम निकलता है, और ये देखिए अंदर वो ट्रक खड़ा हुआ है, तो काफ़ी बढ़िया एम्बियंस है अंदर का भी, और आप आगे भी बैठ सकते हैं ऊपर में पीछे मेरे स्टेशन की तरफ, और खाना खाते हैं, टेस्ट तो यहाँ का बढ़िया है। तो अभी हमने मंगाया है कढ़ाई पनीर और बटर नान, हमने जलेबी भी खाई, एक्चुअली जलेबी काफ़ी टेस्टी है, लास्ट टाइम भी हम लोग खाए थे जलेबी और दही यहाँ का बॉर्डर पे। फ्रेंड्स अब खाना खा लिया हम लोगों ने, और टाइम 6:15 हो गया, और ये हवेली पर आए थे हम लोग यहाँ पर, एंड ये देख सकते हैं कुआँ है यहाँ पे बाल्टी से खेलने के लिए बना हुआ है, और ये बाहर कन्फेक्शनरीज की शॉप्स हैं और स्नैक्स और ये सब होता है। तो अब चलिए चलते हैं आगे, डेली की जर्नी अपनी कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ अपने चैनल पर कि कहाँ बेस्ट है आपको रुकना। तो अगर आप जम्मू से या अमृतसर से या कहीं जालंधर क्रॉस कर रहे हैं तो ये बेस्ट पॉइंट है आपको रुकने का, और 3 लोगों ने हमने खाया था और 1000 का बिल आया था, कढ़ाई पनीर बटर नान जलेबी। तो फाइनली टाइम हो गया है अपना, अभी 6:30 बजने वाले हैं और हम लोग चल रहे हैं, तो गाड़ी अपनी अनलॉक करते हैं, चलते हैं आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लाइटिंग अपनी गाड़ी की बढ़िया हो गई, और जो भी डोर खुला रहता है उसका नोटिफिकेशन आ जाता है, 280 किलोमीटर 279.8 टू बी प्रेसाइज मैं चल चुका हूँ, और तो एग्जैक्ट 6:30 हो गया, और अब निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए जालंधर से। राजपुरा पहुंच गए, और राजपुरा है फर्स्ट टाउन 8:30 बजे, और राजपुरा एक्चुअली गेटवे ऑफ पंजाब बोला जाता है, ये पंजाब का फर्स्ट टाउन है।
दिल्ली से अगर आप आएंगे तो हरियाणा एंटर कर गए, हरियाणा पंजाब बॉर्डर वाला टोल है, और अभी 9:35 हुआ है। फ्रेंड्स अभी हम लोग, टाइम हो गया 9:05 है और प्रभात को छोड़ने का टाइम है अम्बाला कैंट से। उधर से बस मिलेगी चंडीगढ़ की उधर, और इधर बस स्टैंड है और उस साइड में रेलवे स्टेशन है अम्बाला कैंट, और ये ऊपर अपना NH-44। हम लोग नीचे आए हैं बस छोड़ने के लिए, अब प्रभात को यहाँ से छोड़ रहे हैं और अब आगे चलते हैं यहाँ से अपना दिल्ली के लिए। भाई ये यूट्यूब पर ऐसे डालें। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं अभी हमारा टाइम 9:45 हुआ है, हम लोग मन्नत पहुंच गए, मन्नत ढाबा, और ये करनाल के पास है, मतलब करनाल के आसपास है, कुरुक्षेत्र के पहले ये अपना NH-44 है। तो यहाँ पे गाड़ी को पार्क किया, अब चलते हैं अंदर और कुछ खाए पियेंगे फिर आगे चलेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने कॉफ़ी और चाय ऑर्डर किया और ये अपना इसका एम्बियंस काफ़ी बढ़िया है, मन्नत करके है ये अपना, इसका कुरुक्षेत्र से पहले पड़ता है थोड़ा। तो इधर इनका यहाँ पे अंदर भी है, केबिन में भी आप बैठ सकते हैं अंदर जाके, और अभी हम लोग बाहर बैठे हैं स्नैक्स ले रहे हैं और गाड़ी अपनी पीछे पार्क्ड है, गाड़ी को उस साइड पार्किंग काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे बसेस भी रुकती हैं, और सामने झिलमिल ढाबा है और इसके सामने मन्नत सितारा करके है, तो ये काफ़ी बढ़िया है इसका एम्बियंस। तो अब चलिए चलते हैं, टेस्ट तो अच्छा है, मैं पहले भी खा चुका हूँ, अब आज का जैसा भी होगा बताता हूँ। और अब ये जर्नी हमारी ऑलमोस्ट 200-150 किलोमीटर जो भी बचा है, 200 किलोमीटर के आसपास, तो अब देखते हैं कब तक पहुँचता है दिल्ली। तो ये वाली कॉफ़ी हम लोगों ने मंगाई है, ये कैपेचिनो है, ये टोस्ट लिया है और देखने में तो काफ़ी सही लग रहा है, खाने का भी सही, और चाय मंगाई है हमने, और चाय का ग्लास काफ़ी बड़ा है, कॉफ़ी की भी क्वांटिटी सही है, हमने स्मॉल साइज़ लिया और ये टोस्ट है। चलिए खाते हैं फिर आगे चलेंगे, और एम्बियंस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, खाना मतलब जो भी चीज़ें हमने ली थी काफ़ी टेस्टी थी, टेस्ट में अच्छा था। यहाँ से 5 शॉप से भी थोड़ा 100 तो ले लिया खजूर, और अब आगे चलते हैं डायरेक्ट दिल्ली के लिए। तो ये है फ्रेंड्स बुरा यहाँ पे, और अब टाइम हो गया 10:30-10:45 लगभग होने वाला। तो फ्रेंड्स हम लोग पानीपत से पहले वाला जो टोल प्लाजा है उधर पहुँच गए, और तो हम लोग ईस्टर्न बाय रेफरल पहुंच गए, ईस्टर्न बाय रेफरल आगे सिंघू वार्ड आ रहा है इसके बाद। हम लोग दिल्ली एंटर कर गए और जैसे जो कमर्शियल व्हीकल है वो उधर जाते हैं बस, हाँ सारे चाहे प्राइवेट और रोडवेज सब। फ्रेंड्स टाइम हो गया हमारा 12:25-12:30 लगभग हो गया, और अभी हम लोग दिल्ली पहुंच गए। देखिए अभी NH-44 है, सिंघू बॉर्डर क्रॉस कर लिया है और दिल्ली में अंदर हम लोग आ चुके हैं काफ़ी, और तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे, मैं घर पहुंच के फिर देख बताता हूँ। और हमें ऑलमोस्ट 12 घंटे लगे, जिसमें से हमने 2 घंटे का ब्रेक लिया, लगभग 1.25 घंटे जाम लगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो हमें 10 घंटे लगे वहाँ से जम्मू से कटरा से दिल्ली के लिए, 9:30 घंटे लगभग मैं मान सकता हूँ, 9:30 घंटा लगा। तो चलते हैं।
वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। कश्मीरी गेट हम लोग वहाँ गए और राइट साइड में आई एस बी टी है।